फिरोजाबाद के आनंद कुटी आश्रम गांव जेवड़ा चबरोली में प्रत्येक पूर्णमासी एवं अमावस्या को विशेष अनुष्ठान किया जाता है। आनंद कुटी आश्रम के महंत श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज ने बताया कि शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण विशेष मुहूर्त होने की वजह से ये दिन और भी विशेष हो गया है। आश्रम में बल और बुद्धि के दाता आंजनी पुत्र हनुमान जी सब ही उपस्थिति का आभास एवं प्रमाण समय समय पर देते रहते हैं। आयोजन हुआ यहाँ पर क्या है? इस आश्रम में आपको पहले इस आश्रम के बारे में बता देता हूँ। ये आश्रम लगभग 300-350 साल पुराना है और यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम समय समय पर तो होते ही रहते हैं। हमारे कुटी के जो महंत हैं और इनसे पहले हमारे लखनदास स्वामी जी थे, तो ऐसे तो प्रोग्राम हम हमेशा से देखते आए हैं। और आज का जो प्रोग्राम था, आज शनिवार का दिन है और शनि अमावस्या का विशेष अनुष्ठान था और जिसमें 101 किलो सरसों के तेल का अभिषेक हुआ, 56 तरह के भोगों से शनिदेव महाराज का भोग लगाया गया और 1001 तरीके के दीपकों के साथ प्रज्वलित कर दीप उनकी अर्चना की। हमने मनोतियाँ मांगी कि हम सब धन धान्य से परिपूर्ण रहें और हमारे स्वामी जी का हमेशा आशीर्वाद हम पे रहता है और इस क्षेत्र पे रहता है। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और इसका उनको फ़ायदा मिलता है। या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या लेकर आते हैं तो गुरुदेव के स्वामी जी के चरणों में आते ही वो सब अपने आप दूर हो जाती है। स्वतः ये बहुत ही सिद्ध आश्रम है, बहुत पुराना है। छप्पन का वो बलिदान से किया गया। भिंड जिले में चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा 108 नंबर एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस प्रोजेक्ट हेड जितेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में वर्ल्ड हार्ट डे पर भिंड जिले में स्कूल और कॉलेज में एम्बुलेंस की कार्यप्रणाली और CPR प्रोसेस के विषय में समझाया गया। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी थाने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद निरीक्षण में पुलिस महानिरीक्षक ने बांसी कोतवाली की आरक्षी बैरक, निरीक्षक आवास, आपराधिक मुकदमों का रजिस्टर तथा मालखाने का निरीक्षण किया। आगे सीओ साहब को दूंगा और इंस्पेक्टर साहब को दूंगा, सब लोग का जॉइंट एफर्ट है। थाना चलाने में आप देखते हैं बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होता है, जनता का भी सहयोग रहता है, जनता का भी सहयोग, मीडिया वालों का भी सहयोग है। जो आप फीडबैक देते हैं उसको हम लोग वर्कफ्रेड करके सुधरने का प्रयास करते हैं, सभी इसके लिए बधाई की बात है। सर, अभी बांसी थाने का आपने निरीक्षण किया, क्या यहाँ मिला आपको? वार्षिक निरीक्षण देखिए हम लोग करते हैं साल में एक बार, उसके तहत मैं प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, इसमें भवन देखा, इनका बैरक देखे, इनका मालखाना देखा, इनके जो कितने केसेस वर्ष 18 में लिखे गए पूरे, उनके क्या क्या डिस्पोजल हुए हैं, कितनी प्रॉपर्टी चोरी हुई, कितनी चार्जशीटें लगी, कितनी अपराध लगी, कितने अपराधी विशेष हैं, तो ये सब मेरे द्वारा देखा गया। फिर इसके अलावा जो हमारे वेपन्स हैं उनकी साफ़ सफाई, रख रखाव कैसी है, फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या है, फिर मैंने बीट के कॉन्स्टेबल्स के रजिस्टर देखे और हल्का के जो निरीक्षक हैं उनके भी रजिस्टर देखे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम मुझे यहाँ पर संतुष्टि हुई, जो बैरक बैरक की थाना की साफ सफाई वगैरह और अच्छी हो सकती है, उसके लिए बोला गया। एक जमीन यहाँ पर जो बगल में है कोर्ट डिस्पोजल की, उसमें भी माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो उसको उसमें भी हम लोग अच्छा बनाने की सोच रहे हैं। ओवरऑल मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मुकदमे जितने पुराने हैं उसमें कार्रवाइयाँ हुई, कुछ पेंडेंसीज हैं जिसको जल्दी ही पूरा कर। अगर सर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं।